चलो बच्चों, तो आज हम लोग मैथ्स में चैप्टर नंबर 7 कंटिन्यू करें, जो चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें अभी तक हमने एक्सरसाइज 7.1 देखी, जिसमें हमने इस चैप्टर की पहली फार्मूला वो डिस्टेंस फार्मूला समझी थी। समझी ना डिस्टेंस फार्मूला, कि ग्राफ में जब कोई दो पॉइंट अलग अलग प्लेस पर दिए हुए हो तो उन दोनों के कोऑर्डिनेट के हिसाब से हम लोग उसका डिस्टेंस ढूंढ सकते हैं। ढूंढ सकते हैं ना डिस्टेंस, ये हमने डिस्टेंस फार्मूला से देखा। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.2 शुरू करेंगे और उसके लिए एक और नई फार्मूला आज सीखेंगे, एक दूसरी नई फार्मूला सीखें डिस्टेंस फार्मूला के बाद। तो आज जो नई फार्मूला है उसमें आती है सेक्शन या तो रेशियो फार्मूला। पहली फार्मूला उसमें आती है सेक्शन फार्मूला या तो रेशियो फार्मूला। ये फार्मूला कब यूज़ होती है कि सपोज ग्राफ में कोई दो पॉइंट दिए हुए हो, वो दोनों पॉइंट समझो एक सीधी लाइन उस पर बनाए दो पॉइंट पे, कि उसमें एक को नाम ए दूसरे पॉइंट को नाम बी दे दें, ठीक है ना। एक को पॉइंट ए दिया, एक को पॉइंट बी दिया। अब समझो ए और बी लाइन पर बीच में कहीं पर कोई ऐसा पॉइंट है, ए और बी पर समझो बीच में कोई पॉइंट है जिसे हम लोग नाम दे दें पी या एम या जो भी नाम आपको देना हो, कि इस पॉइंट की वजह से ये जो ए बी लाइन होगी ना, उस लाइन के दो पार्ट बनेंगे, दो सेक्शन बनेंगे। ये सेक्शन इक्वल नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे, रेशियो वाइज होंगे। कैसे होंगे? रेशियो वाइज। समझो इनका जो डिस्टेंस होगा ना, वो समझो डिस्टेंस हुआ 1:2। एक एग्जांपल जस्ट कि भाई इसका डिस्टेंस कितना हुआ, 1:2 हुआ। इसका मीनिंग क्या कि अगर ए से पी तक का डिस्टेंस जितना होगा ना, अगर 1 होगा ना, तो पी से बी तक का डिस्टेंस 2 होगा। मतलब ये जितना डिस्टेंस होगा उसका डबल ये डिस्टेंस होगा। ऐसे आपको रेशियो में दिया हुआ होगा ये, कि जैसे 1:2 या तो 3:4, कोई भी नंबर क्यों ना हो। समझ आ रही है ना बात, कि जब कोई सीधी लाइन हो ए बी, उस ए बी में बीच में कोई पॉइंट हो, कहीं पर भी हो वो पॉइंट, एग्जैक्ट बीच में नहीं लेकिन दूसरे कहीं पर कोई पॉइंट हो, तो उस पॉइंट के हिसाब से इस पूरी लाइन के दो सेक्शन हो जाते हैं, जिसमें वो सेक्शन को हम लोग रेशियो वाइज डिस्क्राइब कर सकते हैं, कि जैसे ये सेक्शन वो 1:2 में आ गया है ना, ये 1:2 ऐसे डिस्क्राइब हुआ। तो उसमें जो ये बीच का ये पॉइंट मिला ना, जैसे कि पॉइंट पी, जिसकी वजह से इसके दो सेक्शन हो जाते हैं, तो उस पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट ढूंढने हो, जैसे ए होगा तो ए के भी कोऑर्डिनेट होंगे ना, ए के कोऑर्डिनेट एक्स और वाई की वैल्यू होगी ना, x1 y1 जो हम कहते हैं। बी होगा तो बी के भी कोऑर्डिनेट होंगे, जिसे हम लोग x2 y2 कहते हैं। और पी जो पॉइंट होगा जिसकी वजह से ये दो सेक्शन होते हैं, उस पी के भी कोऑर्डिनेट होंगे, जिसे हम लोग नाम एक्स और वाई कहेंगे। उस पी के भी तो कोऑर्डिनेट होंगे, उसे हम लोग क्या नाम कहेंगे, एक्स और वाई। तो इसके कोऑर्डिनेट अगर फाइंड करने हो ना, तो उसके लिए ये फॉर्मूला आती है। अब इसमें डिस्टेंस नहीं ढूंढना है, इसके कोऑर्डिनेट ढूंढने हैं। इसके लिए एक्स और वाई की अलग अलग फार्मूलाज आएगी, लिखना तो एक ही सम में है लेकिन एक्स के लिए अलग फार्मूला, एक्स के लिए यहाँ फार्मूला बनेगी सेक्शन में, एक्स के लिए ये फार्मूला बनेगी कि एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन में एम प्लस एन, ठीक है। और वाई ढूंढना हो तो वाई के लिए भी वही फार्मूला, वाई के लिए फार्मूला आएगी कि एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन में एम प्लस एन, ठीक है। तो ये सेक्शन फार्मूला कहलाए, या तो रेशियो फार्मूला कहते हैं, क्योंकि इसमें जो बिल्कुल बीच में पॉइंट हुआ ना, वो पूरी लाइन के दो सेक्शन कर देता है, दो या तीन जितने भी हो वो सेक्शन कर देता है, पार्ट कर देता है, और उस पार्ट को रेशियो में भी लिख सकते हैं, इसलिए इसे सेक्शन फार्मूला या तो रेशियो फार्मूला कहते हैं। इस फार्मूला में एक्स वन और एक्स टू क्या, वो तो हमें पता है ना, x1 x2 या y1 y2 उसकी वैल्यू तो हमें पता है, वो तो यहाँ से लिखते हैं। a की वैल्यू और b की वैल्यू दी गई होगी तो उस पर से x1 x2 और y1 y2 मिलेगा ना। और ये mn क्या हुआ, ये m और n वो रेशियो की फार्मूला कहलाई,
रेशियो की वैल्यू कहलाई। जैसे कि 1:2 हो तो 1:2 में ये 1 वो हम लोग m कहेंगे और ये 2 उसे हम लोग n कहेंगे, ठीक है ना। इसके लिए भी m और n जहाँ पर भी लिखना हो तो उसमें ये जो रेशियो दिया हुआ है उसे m और n माना जाएगा, जिसमें ये पहला नंबर उसे m कहेंगे और दूसरा नंबर उसे n कहेंगे हमेशा। और फार्मूला में एक चीज़ ध्यान रखना, जो उतावल में काफ़ी स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, कि यहाँ जो फार्मूला है ना, वो फार्मूला ऐसी है कि x इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन, पहले x2 है फिर x1 है। यहाँ पर भी एम वाई टू प्लस एन वाई वन, उतावल में आप लोग एम एक्स वन और एन एक्स टू लिख देते हो, वैल्यू अदला बदली कर दी तो सम गलत, फिर आंसर ही नहीं आएगा उसका, सही बात है ना। तो इसलिए ये सेक्शन फार्मूला या तो रेशियो फार्मूला कहलाई, इसका ध्यान रखना। और इसी के साथ इसी एक्सरसाइज में दूसरी एक फार्मूला जिसे हम लोग कहते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। जैसे यही पॉइंट है कि ए और बी, एक लाइन है जिसके ये दो पॉइंट ए और बी हो, और इस ए और बी के हिसाब से बिल्कुल बीच में कोई पॉइंट आता हो, मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट नहीं है, ये जो पॉइंट है ना उस पॉइंट की वजह से दो अलग अलग सेक्शन हो जाते हैं, दो अलग अलग पार्ट, सेम पार्ट नहीं, दो अलग अलग पार्ट होंगे। लेकिन अगर बाय चांस के ए बी के बीच में, बिल्कुल बीच में मिड पॉइंट, पॉइंट समझो वही हो पी, लेकिन वो मिड पॉइंट है कि इक्वल हाफ हो जाते हैं दो, तो उस मिड पॉइंट की वजह से उसकी फार्मूला आएगी। मिड पॉइंट की फार्मूला हम लोग कह सकते हैं कि उसमें भी कोऑर्डिनेट एक्स और वाई ढूंढना होगा ना, जो पी होगा तो उसके भी तो कोऑर्डिनेट होंगे ना एक्स और वाई, तो उसके लिए मिड पॉइंट की फार्मूला आएगी, एक्स के लिए फार्मूला आएगी एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू। एक्स के लिए मिड पॉइंट की सिंपल फार्मूला एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू, और y की वैल्यू उसमें ढूंढनी हो ना तो y के लिए वही फार्मूला बनेगी y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है ना। तो ये मिड पॉइंट अगर फाइंड करना हो ना तो उसके लिए ये फार्मूला, और अगर सेक्शन वाइज दिया हुआ हो या तो रेशियो वाइज दिया हुआ हो तो उसके लिए ये फार्मूला। कितनी बार कंफ्यूज करने के लिए आपको मिड पॉइंट में ना रेशियो वाइज होता है, जैसे कि भाई अगर ये मिड पॉइंट हुआ तो इसके ये दोनों पार्ट इक्वल हो गया ना, इसका मतलब वो है ना 1:1 कहलाया। अगर 1:1 हुआ इसका मतलब क्या कि दोनों पार्ट इक्वल हैं, मीन्स कि वो मिड पॉइंट ही है। ये तो आगे सम में आएगा तब हम लोग क्लियर करेंगे उसे, लेकिन अब ध्यान रखो कि हमें कौन सी फार्मूलाज यूज़ करनी है, एक सेक्शन फार्मूला और एक मिड पॉइंट फार्मूला, बराबर। तो अब इसके हिसाब से हम लोग एक्सरसाइज 7.2 शुरू करें। वो फार्मूलाज अच्छी तरह से नोट कर लेना पहले, और उसके हिसाब से हम लोग एक्सरसाइज 7.2 देखेंगे। उसमें देखें पहले क्वेश्चन से, तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसमें कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ -1:7 एंड 4-3 इन द रेशियो 2:3। इसका मतलब क्या कि अगर एक लाइन है जिस लाइन में दो पॉइंट हैं, पहला पॉइंट ये है -1:7, समझो उसको नाम कोई भी दे दें, ए बी सी कोई भी नाम दे दो, समझो वो पॉइंट है -1:7 उसके कोऑर्डिनेट, और दूसरा एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 4-3। कौन सा 4-3, ये दूसरा पॉइंट है। इसके बीच में कहीं पर कोई एक पॉइंट है, इसके बीच में कहीं एक पॉइंट आ रहा है, उसका हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ -1:7 and 4:3, इन दोनों को ये जॉइन जो किया है, जो लाइन बनाई, उसे 2:3 में डिवाइड करता है। इसका मतलब ये जो पहला पार्ट है ना वो 2 पार्ट जितना है, और ये दूसरा पार्ट वो 3 पार्ट जितना है। तो 2:3 में ये डिवाइड होता है ना, तो इसके कोऑर्डिनेट ढूंढने, यहाँ जो पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट, उसके कोऑर्डिनेट मतलब एक्स और वाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हमने वो सेक्शन फार्मूला देखी ना कि जब भी ऐसे रेशियो दिया हुआ हो ना तो उसके लिए हम लोग कौन सी फार्मूला यूज़ करेंगे, सेक्शन फार्मूला। तो इसमें भी सेक्शन फार्मूला यूज़ करें। देखो जैसे कि सबसे पहले लिखेंगे कि लेट द पॉइंट पी एक्स वाई डिवाइड द लाइन जॉइनिंग ऑफ द पॉइंट ए -1:7 एंड बी 4-3 into 2:3।
मतलब कि अगर आप लाइन ड्रॉ करो तो उसमें ये पहला पॉइंट ए है, पहला पॉइंट ए जिसे नाम -1, 7, इसके कोऑर्डिनेट। दूसरा पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट 4 एंड -3, और बिल्कुल बीच में कोई, बिल्कुल बीच में नहीं सॉरी, कि कहीं पर कोई पॉइंट पी आया हुआ है, कहीं पे ये पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई वो ढूंढने हैं, कि इस पी की वजह से इसका रेशियो कितना हो जाता है, 2:3, कि ये टू टू पार्ट और यहाँ का 3 पार्ट, 2:3 हो जाएगा ना। तो इनके हिसाब से हम लोग जो इसके एक्स वाई की वैल्यू ढूंढें, पी की वैल्यू जो हम लोग फाइंड करें, सबसे पहले मेंशन कर दें कि ये जो ए की वैल्यू है उसे हम लोग क्या कहेंगे, x1 y1। तो ए को हम लोग नाम दे दें x1 और y1, -1 7 ना, तो x1 पे -1, y1 पे 7। फिर बी की जो वैल्यू है उस बी की वैल्यू को x2 और y2 नाम देंगे, कि बी की वैल्यू में x2 पे 4 और y2 पे -3, ये x2 y2 हुआ। और ये जो रेशियो है वो रेशियो को हम लोग एम और एन कहेंगे, रेशियो को क्या कहेंगे, एम और एन। अब देखो यहाँ एक चीज़ और आपको बता दूँ कि हम लोग रेशियो को क्या नाम देते हैं, एम और एन, मतलब ये पहला वो एम कहें, दूसरा 3 वो एन कहें, ऐसे नाम दिया ना आपकी टेक्स्ट बुक में, या शायद कहीं पर आपको दूसरी जगह पर ये सम करवाए आपके स्कूल में या कहीं पर, तो उसमें ये एम और एन की जगह पर कितनी जगह पर M1 और M2 लिखवाते हैं, क्या लिखते हैं, M1 M2, MN की जगह पर, तो भी करेक्ट ही है, हमें तो लिखना रेशियो ही है ना। फॉर्मूला में भी MX2 और NX1 की जगह पर M2X2 और सॉरी M1X2 और M2X1 ऐसे लिखवाते हैं, तो आप लोग वैसे करो सम तो भी करेक्ट है, वो भी गलत नहीं है, और MN करो तो भी सही है। MN लिखने से ना इजी रहता है, दो अलग अलग वर्ड हो जाते हैं ना, तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न नहीं होती, नहीं तो M1 M2 और ये भी X1 X2 इसमें मिक्स हो जाते हैं, कितनी बार मिस्टेक कर देते हैं। तो आप लोग कोई भी फार्मूला से करो दोनों करेक्ट है। तो यहाँ पर ये सब वैल्यू हमने लिख दी, तो अब सेक्शन फार्मूला यूज़ करें, कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन फार्मूला एक्स और वाई के लिए, अब देखो ये भी जब आप सम करो ना तो एक चीज़ ध्यान देना, आपकी जैसे बुक हो तो उस बुक में ही बिल्कुल बीच में दो पार्ट करके एक तरफ एक्स और एक तरफ वाई करना, सम इसके हमेशा ऐसे ही होने चाहिए लाइन वाइज। इसमें आप लोग ऐसे बुक में मत करना कि पहले एक्स का सम किया फिर उसके नीचे आप लोग, वाई का सम करो, नहीं है इसमें कैसे कॉमा करके लिखते हैं ना, x, y, तो आपकी बुक में ही दो पार्ट हो जाएंगे, बुक में बिल्कुल बीच में दो पार्ट कर दो, यहाँ पे एक्स और यहाँ पे वाई, ऐसे सॉल्व किया करो। तो सेक्शन फार्मूला में पहले एक्स की फार्मूला, पहले एक्स का सॉल्व कर दो पहले, तो एक्स की वैल्यू उसकी फार्मूला आती है MX2 + NX1 / (m+n), ये इसकी फार्मूला ना। तो इन सब की वैल्यू अब रखें, ये फार्मूला याद हो जाए ना फिर तो खाली वैल्यू ही रखनी है, उसमें फिर कोई बड़ी बात नहीं होती। जैसे कि m, तो m की जगह पे वैल्यू क्या आएगी, 2, तो 2 और x2, तो x2 की वैल्यू क्या, 4, मतलब 2 × 4, MX2 मतलब m और x2 का मल्टीप्लाई 2 × 4, प्लस प्लस करके NX1, NX1 मतलब n पे 3 और x1 पे -1, सही बात। तो इसका मतलब n पे 3 और x1 पे -1, इन दोनों का मल्टीप्लाई, नीचे m+n, m+n मतलब 2 + 3। अब इनका मल्टीप्लाई कर दें, ब्रैकेट हटा दें, तो जैसे कि 2 4 8, यहाँ 8, यहाँ पे 3 1 3, लेकिन देखो साइन माइनस की है तो प्लस माइनस -3, 8 - 3 और अपॉन में 2 + 3, अपॉन में 2 + 3 5, तो ऊपर भी 8 - 3 5 हुआ और नीचे भी 5, मतलब एक्स की वैल्यू मिल गई 1। जैसे ये एक्स की वैल्यू ढूंढी है, वैसे ही सिंपल वाई की वैल्यू ढूंढे पास में, ठीक है ना, पेज में ही, आधे पेज में यहाँ वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो वाई के लिए फॉर्मूला आती है MY2 + NY1 / (m+n), मीन्स इसमें वैल्यू रखो तो m, m की जगह पे ये 2 ही होगा, y2 तो y2 की जगह पर ये -3, प्लस NY1 तो n की जगह पर ये 3,
और वाई वन, तो वाई वन की जगह पर सेवन, अपॉन में एम प्लस एन, तो अपॉन में टू प्लस थ्री। अब इनकी वैल्यू भी रखें तो जैसे कि टू थ्री जा, तो टू थ्री जा सिक्स, साइन माइनस किया है तो माइनस सिक्स, प्लस थ्री सेवन जा, तो थ्री सेवन जा 21, अपॉन में फाइव। तो यहाँ माइनस सिक्स और प्लस 21, तो 21 में से सिक्स जाएगा तो 15, 15 अपॉन फाइव, एंड 15 अपॉन फाइव आंसर मिलेगा थ्री। इसका मतलब जो ये पी के कोऑर्डिनेट है ना, पी के कोऑर्डिनेट जो एक्स वाई हम लोगों को ढूंढना था, जिसकी वजह से इसके दो सेक्शन हो रहे थे, तो वो पी के कोऑर्डिनेट एक्स और वाई क्या मिला, वन और थ्री मिला। समझ आई ना ये सेक्शन फार्मूला, एकदम सिंपल है ना ये, ठीक है ना। ऐसे ही इसका दूसरा क्वेश्चन देखें एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर टू है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4-1 एंड -2-3। अब देखो, अब ये जो क्वेश्चन है इसे जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी टिक कर लो, इस एक्सरसाइज में काफ़ी ऐसे क्वेश्चन हैं, ध्यान रखना। इसमें क्या दिया हुआ है कि एक लाइन सेगमेंट एक सीधी लाइन हो, वही उसको जो है वो नाम ए बी या जो भी नाम दे दो, कि उसमें पहला जो है वो कोऑर्डिनेट वो 4-1 दिया हुआ है, पहला कोऑर्डिनेट 4-1, समझो वो पॉइंट ए हो अगर, और दूसरा कोऑर्डिनेट समझो बी है, उसके कोऑर्डिनेट है -2 और -3, ठीक है। तो -2 और -3 दूसरे कोऑर्डिनेट, हमें इस लाइन सेगमेंट के ट्राई सेक्शन बनाने हैं। क्या करने हैं ट्राई सेक्शन, मतलब तीन पार्ट करने हैं, दो पार्ट नहीं, क्या करने हैं, तीन तीन इक्वल पार्ट। इसका मतलब बिल्कुल बीच में हमें कहीं दो पॉइंट ढूंढने होंगे, कोई दो पॉइंट ढूंढने होंगे कि जिससे यहाँ पर तीन पार्ट हो जाए। ए और बी तो है ही ना, इसके तीन पार्ट करने मतलब बीच में कितने हमें नंबर ढूंढने होंगे, दो, दो पॉइंट हमें फाइंड करने होंगे। समझो वो दो पॉइंट पी और क्यू नाम दे दें, दो पॉइंट को क्या नाम दे दें, पी और क्यू। तो हमें पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं। इसका मतलब क्या कि पी के कोऑर्डिनेट्स मतलब पी के लिए भी एक्स और वाई की वैल्यू ढूंढनी है, और ये क्यू के लिए भी एक्स और वाई की वैल्यू ढूंढनी है। तो कैसे फिर ये, अब इसमें कौन सी फार्मूला लगाए, हम लोगों ने दो फार्मूलाज देखी है, सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला। आप लोग सोचोगे इसमें कौन सी फार्मूला लगेगी पहले, कि ये पहला और आखिरी पॉइंट दिया हुआ है ए और बी, हमें यहाँ पर दो पॉइंट ढूंढने हैं जिससे यहाँ पर इक्वल हो जाए, ये तीनों पार्ट इक्वल हो जाए, तो इसमें कौन सी फार्मूला यूज हो सकती है, सेक्शन या मिड पॉइंट की फार्मूला। तो इसके अंदर दोनों फार्मूलाज यूज करनी है, सेक्शन फार्मूला भी और मिड पॉइंट की फार्मूला भी। कैसे ये, तो समझो आप पहले पी के कोऑर्डिनेट ढूंढ रहे हो, पहले ना थियरी समझ लो, क्योंकि उसके बाद फिर सम करोगे तो खाली वैल्यू ही रखनी है। समझ में आ गया ना कि कैसे स्टेप लेने हैं, फिर तो खाली वैल्यू रखोगे आप लोग। तो देखो इसमें अगर समझो आपको पहले पी फाइंड करना है, तो अगर आपको पी फाइंड करना है तो उसके लिए पहले सेक्शन फार्मूला यूज़ होगी, क्योंकि समझो अगर क्यू ना होता ना, तो फिर यहाँ कैसे होता पता है, कि ए और बी में अगर पॉइंट पी यहाँ पर है तो इसमें ए से पी तक का वन पार्ट हो जाता, और पी से बी तक का टू पार्ट होता। यहाँ पे वन और टू दो पार्ट है ना इस तरफ, समझो ये पॉइंट क्यू अगर नहीं है तो ए से पी तक वो वन, और पी से बी तक वो कितने पार्ट हो गए, टू पार्ट हो गए। मतलब ये क्या हो गया पता है, रेशियो फार्मूला हो गई, या तो सेक्शन फार्मूला हो गई। सही बात है ना, ये सेक्शन फार्मूला बन गई ना। मतलब पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हो ना, तो आप लोग सेक्शन फार्मूला लगाओगे, भाई एम एक्स टू एन एक्स वन, फिर एम वाई टू एन वाई वन, ऐसे एक्स और वाई की वैल्यू, तो आपको पी की वैल्यू मिल जाएगी, पी के एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। उसमें एक्स वन एक्स टू और वाई वन वाई टू पे क्या लिखना है, वो तो यही ना, ए और बी की वैल्यू ही। तो पहले पी कैसे ढूंढना है सेक्शन फार्मूला से, वो समझ आ गई ना, ए से पी तक वो वन सेक्शन हुआ, पी से बी तक वो दो सेक्शन हुए, इसलिए इसमें ये सेक्शन फार्मूला यूज़ हो सकती है। फिर जब आपको पी की वैल्यू मिल जाएगी ना, तो अब समझो ए को भूल जाओ, जब पी की वैल्यू मिल जाए तो वो ए को भूल जाओ। अब जो अगर हमें ये क्यू फाइंड करना है,
तो ये Q अगर ध्यान से देखे ना तो वो P और B का मिड पॉइंट है। ये Q वो अब क्या कहलाएगा, P और B का मिड पॉइंट कहलाएगा। मतलब P और B के बिल्कुल बीच में ये पॉइंट Q आया हुआ है ना। यहाँ दो पार्ट है कि नहीं, इक्वल इक्वल दो पार्ट है, मतलब इन दोनों का मिड पॉइंट ही कहलाया ना। मतलब Q अगर फाइंड करना हो ना तो उसके लिए कौन सी फॉर्मूला लगाएंगे, मिड पॉइंट की फॉर्मूला लगाएंगे। इसलिए एक बार सेक्शन की फॉर्मूला लगाएंगे तो इसके कोऑर्डिनेट मिलेंगे, इसकी एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी, और एक बार मिड पॉइंट की फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें इसके कोऑर्डिनेट मिलेंगे, इसमें एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी। समझ आई बात? तो अब इनके हिसाब से हम लोग क्वेश्चन करें। जैसे कि देखो, यहाँ पर हम लोग पहले लिखें कि लेट पॉइंट पी एंड क्यू बी द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ए 4-1 एंड बी -2-3। यहाँ सीधी लाइन बनी हुई है जिसमें मैंने आपको बताया कि ये पहला पॉइंट ए है, यहाँ पहला पॉइंट ए होगा, आखिरी वाला ये पॉइंट बी होगा, और उसके बीच में ये दो पॉइंट पी और क्यू आए हुए हैं, जिसकी वजह से ये ट्राई सेक्शन हो जाते हैं। ट्राई सेक्शन मतलब तीन पार्ट हो जाते हैं, बरोबर ना। ये 1 पार्ट 2 पार्ट और 3 पार्ट। तो इसके लिए अगर जो हमें ये पी पहले फाइंड करना है ना, तो उसके लिए लिखेंगे सेक्शन फार्मूला यूज करनी होगी। तो उसके लिए पहले लिखेंगे कि पॉइंट पी एक्स वाई डिवाइड पॉइंट ए 4-1 एंड पॉइंट बी -2-3 into 1:2। ये सेंटेंस खास लिखना है जिससे पता चले कि आप लोग सेक्शन फार्मूला यूज कर रहे हो, कि पॉइंट पी एक्स वाई, ये जो पॉइंट पी ढूंढने के लिए ये पॉइंट ये ए को और आखिरी पॉइंट बी को 1:2 में डिवाइड करता है। मैंने बताया ना, ए से पी तक 1 पार्ट और पी से बी तक वो 2 पार्ट, 1:2 हो जाते हैं। इसीलिए इसमें सेक्शन फार्मूला यूज कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन फार्मूला उसमें एक्स की वैल्यू m(x2+n(x1)/m+n, पहले एक्स ढूंढ लें ये। तो अब इसमें क्या वैल्यू रखनी है वो खुद समझ में आ जाएगा ना। अब इतने बड़े सम में आप लोग x1 x2 y1 y2 वो लिखो तो ठीक है, नहीं लिखो तो भी ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू रखना पता होना चाहिए। जैसे ये ए की वैल्यू है तो उसे x1 और y1 कहेंगे, बी की वैल्यू है तो उसे x2 और y2 कहेंगे, और जो ये रेशियो है तो उसे एम और एन कहेंगे। तो यहाँ जैसे रखना है m x2 मतलब m पे ये 1 रखेंगे, x2 तो x2 पे रखेंगे ये -2, x2 है तो ये b वाली वैल्यू रखेंगे ना -2, प्लस n x1 में n पे रखेंगे ये 2, और x1 तो x1 पे रखेंगे ये 4, है ना। 2 × 4 और अपॉन में m+n, अपॉन में m+n मतलब 1+2। तो अब इनका सॉल्यूशन, जैसे कि 1 × 2 तो 1 × 2 = 2, साइन माइनस में है तो -2, प्लस 2 × 4 = 2, 2 × 4 = 8, अपॉन में 1+3 तो अपॉन में 1+3, 1+2 = 3। तो ऊपर माइनस हो जाएगा, -2 और +8, 8 में से 2 जाएगा तो 6/3, तो आंसर 2। मतलब ये पी की वैल्यू में, पी के कोऑर्डिनेट्स में एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 मिलेगी। अब ऐसे ही इसकी वाई की वैल्यू ढूंढे। वहीं सम के आपके पेज के दूसरे पार्ट में यहाँ पर हम लोग ढूंढेंगे वाई की वैल्यू, के m y2 + n y1/m+n, ये फॉर्मूला से, कि जहाँ पर m m की जगह पे लिखेंगे 1, ये 1 की वैल्यू, y2 तो y2 की जगह पे लिखेंगे ये -3, n तो n पे लिखेंगे ये 2, और y1 तो y1 पे लिखेंगे ये -1, अपॉन में m+n तो अपॉन में 1+2। अब इसमें इनका मल्टीप्लाई करें तो 1 × 3 = 3, माइनस में है तो -3, 2 × 1 = 2, माइनस में है तो ये भी -2, अपॉन में 1+2 = 3। तो ऊपर -3 और -2 तो -5/3, ये वाई की वैल्यू मिल गई, भले अपॉन में मिले ना वैसे ही रखनी है। मतलब हमें पी के कोऑर्डिनेट्स जो पहले ढूंढने थे ना उसके तो मिल गए, पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने थे जिसमें से पी के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए, एक्स की वैल्यू 2
और y की वैल्यू -y/3। ये दोनों कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए, तो अब हम लोग q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। तो q के कोऑर्डिनेट कैसे मिलेंगे? तो ये q वो p और b का मिड पॉइंट है। हमने आगे बताया ना, q की वैल्यू फाइंड करनी हो तो वो p और b का मिड पॉइंट है। इसका मतलब कि ये जो p की वैल्यू आपको मिल गई ना 2 और -y/3, और b की वैल्यू तो दी गई है, इन दोनों का मिड पॉइंट q फाइंड करेंगे। मतलब अब नेक्स्ट स्टेप में लिखें, इसे ही कंटिन्यू करें, तो अब ये ड्राइंग अगर चेंज हुई, उसमें a की वैल्यू तो थी, b की वैल्यू भी थी, अब p की वैल्यू हमें मिल गई, p की वैल्यू मिल गई 2 और -y/3। अब q फाइंड करना है, तो उसके लिए पहले सेंटेंस लिखेंगे कि नाउ पॉइंट q इज द मिड पॉइंट ऑफ p 2 -y/3 एंड b -2 एंड -3। कि अब ये q वो p और b का मिड पॉइंट है, तो इसलिए अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फार्मूला, ये सेंटेंस खास लिखना जिससे पता चले आप मिड पॉइंट फार्मूला यूज कर रहे हो कि सेक्शन फार्मूला। तो अब ये मिड पॉइंट फार्मूला यूज करें, तो उसमें x की वैल्यू अगर ढूंढनी हो तो x की फार्मूला आती है x1 + x2/2, और y की वैल्यू अगर ढूंढ रहे हो तो y की फार्मूला आती है y1 + y2/2। सीधी बात ना, मिड पॉइंट के लिए तो यही फार्मूला। तो इसमें x1 + x2, तो अब x1 x2 किसे देखोगे आप लोग? p और b को देखोगे। अब a का काम नहीं है इसमें, a का काम नहीं है, आप p और b का मिड पॉइंट इसमें ले रहे हो, इसलिए ये जो p की वैल्यू है उसे x1 कहें, x1 पे क्या होगा, ये 2 होगा, और जो b की वैल्यू है उसे x2 कहें, कि b की वैल्यू x2 पे क्या है, -2। तो x1 + x2/2 मतलब x1 पे 2 प्लस x2 पे -2/2। तो यहाँ ब्रैकेट अगर हटाओ तो प्लस माइनस माइनस ही हुआ, 2 - 2/2 मीन्स 0/2, 0/2 आंसर 0, x की वैल्यू 0 मिली। और ऐसे ही y में, तो y1 + y2/2, तो अब p और b का मिड पॉइंट ढूंढ रहे हो तो उसमें y1 पे क्या आएगा, y1 पे -y/3 और y2 पे -3। मीन्स यहाँ पे -y/3 + -3/2। तो इसमें क्या करना होगा, ऊपर अपॉन में 2 तो रहेगा ही, ऊपर पहले एलसीएम करना होगा। यहाँ -y/3 है, यहाँ से -3, नीचे इसके कुछ नहीं तो 1 कहलाया जैसे, तो एलसीएम करना होगा। एलसीएम में कैसे, ये 3 का यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स ये -5 तो वही रहेगा, यहाँ 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 3 × 3 = -9 अपॉन एलसीएम 3। इनका एलसीएम तो 3 आया ना, और उसके अपॉन में ये 2, ऊपर इनका एलसीएम किया -5 और -9 अपॉन 3 एलसीएम और अपॉन में उसके 2। तो अब क्या होगा कि ऊपर -5 और -9 ये दोनों तो हो जाएंगे -5 - -9 - 14, और यहाँ नीचे जो 3 और 2 है अपॉन के भी अपॉन में है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 × 2 = 6, मतलब आंसर मिल जाएगा -14/6, जिसमें दोनों को हम लोग अगर 2 2 से कट कर दें तो उसकी वैल्यू मिल जाएगी -7/3, मतलब y की वैल्यू भी मिल गई -7/3 और x की वैल्यू 0। मीन्स जो हमें q के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करने थे ना, x और y, तो उसके कोऑर्डिनेट्स भी मिल गए हमें 0 और -7/3। तो मिड पॉइंट की फार्मूला भी इसमें कैसे यूज़ करनी है समझ पड़ी ना, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट रखना कि जैसे a और b के जब भी ट्राई सेक्शन करने हो, यहाँ इसकी जगह कोई भी नंबर हो, जब भी ट्राई सेक्शन करने हो, मतलब 3 पार्ट अगर करने हो, तो उसके लिए ये 2 वैल्यू फाइंड करनी होगी, p और q की 2 वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी, जिसमें पहली वैल्यू आप लोग सेक्शन फार्मूला से ढूंढ सकते हो, फिर उसका जो आंसर मिले उस पर से दूसरी वैल्यू आप लोग मिड पॉइंट की फार्मूला से फाइंड कर सकते हो, ठीक है, आ रहा है ना ध्यान। अब देखो ऐसे ही इसमें एक और क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा दिया हुआ है कि टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। यहाँ देखो आपके ड्राइंग में भी दिया हुआ है कि यहाँ ABCD वो एक रेक्टेंगल ग्राउंड है आपका, स्कूल ग्राउंड है,
लाइंस हैव बीन ड्रॉन विद अ चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच, कि एक एक मीटर को छोड़कर ये नीचे लाइन बनी हुई है आपके ग्राउंड में। 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच अदर अलोंग ए डी। यहाँ पर ये ए डी साइड पे, यहाँ जो इस साइड है, यहाँ पे फ्लावर पॉट रखे हुए हैं। कितने रखे हुए हैं? 100 रखे हुए हैं। एक एक मीटर के गैप में 100 फ्लावर पॉट रखे हुए हैं 100 मीटर तक। एज शोन इन फिगर, निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस ए डी ऑन द सेकेंड लाइन एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग। ये पहले जो निहारिका है ना, वो सेकेंड लाइन पे जा रही है, सेकेंड लाइन से जा रही है, और उसने 1/4 डिस्टेंस कवर किया। 1/4 मतलब कितना हुआ पता है? 1/4 डिस्टेंस कवर किया मतलब कि टोटल 100 पोर्ट थे, मतलब 100 मीटर जितना था उसमें से 1/4, मतलब 100 डिवाइड 4 25, मतलब वो 25 पॉट्स के बाद उसने वहाँ फ्लैग लगाया। सेकेंड लाइन में 25 तक वो गई एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, वहाँ उसने ग्रीन फ्लैग लगाया। देन प्रीत रन्स अ 1/5 डिस्टेंस ए डी ऑन द 8th लाइन एंड पोस्ट अ रेड फ्लैग। फिर ये प्रीत वो 8th लाइन में दौड़ रही थी, 8th में, और उसने 1/5 डिस्टेंस कवर किया। 1/5, 1/5 का मतलब क्या कि 100 डिवाइड बाय 5, टोटल 100 मीटर है ना, या 100 पॉट रखे हुए हैं ना, उसमें से 1/5 मतलब कितना? 20 हुआ, कि वो 8th लाइन में जा रही थी और 20 नंबर पे उसने रेड फ्लैग लगाया। देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग? तो इन दोनों फ्लैग के बीच का डिस्टेंस ढूंढना है, मतलब इसमें हमें डिस्टेंस फार्मूला यूज करनी है जो पहली एक्सरसाइज में कर रहे थे, ठीक है? डिस्टेंस फार्मूला इसमें यूज करनी है। और आगे है कि इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग, वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग? आगे लिखा हुआ कि इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग, कि अगर इन दोनों के बिल्कुल बीच में अगर रश्मि ने ब्लू फ्लैग लगाया है, तो वो कहाँ पर लगाएगी, कौन सी लाइन में होगी और कितने पॉट पे लगाएगी, वो हमें फाइंड करना है। इसका मतलब कि इन दोनों फ्लैग का हमें मिड पॉइंट फाइंड करना है। आ रही है ना बात समझ में? पहले क्या फाइंड करना है? तो इसका डिस्टेंस ढूंढना है, और दूसरी चीज़ कि अगर इनके बीच में फ्लैग लगाया जाए तो हमें वैसा मिड पॉइंट फाइंड करना है। क्लियर है? तो देखो, पहले अगर हम लोग डिस्टेंस तो ढूंढें, लेकिन उसके कोऑर्डिनेट तो होने चाहिए ना, कि जैसे पहले निहारिका है, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो उसके लिए कैसे दिया हुआ पता है? कि निहारिका जा रही है सेकेंड लाइन में, सेकेंड लाइन में, और कहाँ तक? 1/4 तक। 1/4 मतलब 25 तक। तो उसके कोऑर्डिनेट निहारिका के क्या हुए? कि 2 और 25 हुए, सेकेंड लाइन में और 25 पॉट तक। तो 2 और 25 वो इसके कोऑर्डिनेट्स हुए। वैसे ही ये प्रीत, प्रीत के कोऑर्डिनेट अगर आप सोचो, तो उसमें वो 8th लाइन में जा रही है और 1/5 डिस्टेंस, 1/5 मतलब 20 पॉट तक। तो इसलिए प्रीत के जो है वो कोऑर्डिनेट बने उसमें, प्रीत के कोऑर्डिनेट होंगे 8th लाइन और 20 पॉट तक, 8 और 20। तो अब इसका डिस्टेंस ढूंढ सकते हैं ना डिस्टेंस फार्मूला से, और फिर इन दोनों का मिड पॉइंट भी फाइंड कर लेंगे। समझे? सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको ड्राइंग वाइज थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके दिया हुआ है बिल्कुल सिंपल। तो देखो, इसमें हम लोग पहले लिखें, पहले सेंटेंस में लिखेंगे कि निहारिका रन्स 1/4 डिस्टेंस ए डी ऑन द सेकेंड लाइन एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग। सो इट्स कोऑर्डिनेट्स, तो उसके कोऑर्डिनेट्स कौन से? समझो निहारिका नाम है तो एन नाम दे दें, सेकेंड लाइन में है इसलिए 2 और 1/4 डिस्टेंस, मतलब 1/4 × 100, 100 का 1/4 करना है ना, तो इसका मतलब पहले 2 और क्या हो जाएगा? 25। आप पहले डायरेक्ट लिख सकते हो कि 2 एंड 25 हुआ ये निहारिका के लिए, ठीक है? 100 डिवाइड बाय 4 25। ऐसे ही प्रीत, प्रीत रन्स 1/5 डिस्टेंस एडी ऑन द 8th लाइन एंड पोस्ट अ रेड फ्लैग। तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? कि प्रीत के लिए समझो पी नाम दे दिया, तो वो 8th लाइन में है इसलिए 8 और 1/5 डिस्टेंस, मतलब 1/5 × 100, तो उसके हो गए 8 एंड 20, ये इसके कोऑर्डिनेट। तो हमें उसका डिस्टेंस फाइंड करना है ना। टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू फ्लैग अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला,
उसमें एन पी स्क्वायर इक्वल टू डिस्टेंस फार्मूला में क्या यूज करते हैं, एक्स वन माइनस एक्स टू स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू स्क्वायर। तो एक्स वन एक्स टू पे ये वैल्यू लिखते हैं ना कि एक्स वन पे टू, एक्स टू पे एट और वाई वन पे 25, वाई टू पे 20। और इनके हम लोग सॉल्यूशन ढूंढेंगे, जैसे आगे करते थे वैसे ही हम लोग सॉल्यूशन ढूंढे। तो उनके बीच का डिस्टेंस हमें मिलेगा रूट 61। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें क्या मिल गया, 61 रूट, ये हमें डिस्टेंस मिला। और दूसरा क्या था क्वेश्चन में, कि अगर रश्मि वो इन दोनों के बीच में एक ब्लू फ्लैग लगाती है तो हमें उसकी वैल्यू ढूंढनी है, ठीक है, मतलब इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो आगे इसमें लिखें कि नाउ इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग एन 225 एंड पी 820, सो कोऑर्डिनेट ऑफ फ्लैग पोस्ट बाय रश्मि आर एक्स वाई इज मिड पॉइंट ऑफ एन एंड पी। इसका मतलब रश्मि के जो कोऑर्डिनेट होंगे ना, रश्मि के लिए आर नाम दे और उसको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना, तो वो मिड पॉइंट ऑफ एन एंड पी, तो एन और पी का मिड पॉइंट कहलाएगा। सो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फार्मूला, एक्स की वैल्यू अगर ढूंढनी हो, इसमें पहले एक्स की वैल्यू फाइंड करनी हो, तो उसके लिए वैल्यू आती है, फार्मूला आती है एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू, और वाई के लिए वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू। तो एक्स के लिए एक्स वन प्लस एक्स टू, मतलब एक्स वन पे लिखेंगे टू और एक्स टू पे एट, टू प्लस एट अपॉन टू, तो टू प्लस एट टेन, टेन अपॉन टू, तो टेन अपॉन टू कितना होगा, फाइव। रश्मि के लिए x की वैल्यू मिलेगी 5 और y की वैल्यू के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2, मीन्स के y1 पे लिखेंगे ये 25 और y2 पे 20, तो 25 प्लस 20 अपॉन 2 मीन्स 45 अपॉन 2, आंसर 22.5। इसका मीन्स क्या कि वो रश्मि के जो कोऑर्डिनेट मिले ना x और y 5 और 22.5, तो उसमें रश्मि फिफ्थ लाइन में होगी, उसका मिड पॉइंट आप ढूंढ रहे हो, इसका मतलब ये एक्स पे फाइव आया, मीन्स रश्मि फिफ्थ लाइन पे होगी और 22.5 मीटर आगे होगी। जैसे निहारिका 25 मीटर थी, ये प्रीत 20 मीटर थी, तो ये रश्मि कितने मीटर, 22.5 मीटर आगे हुई। समझ आया ना, तो कैसे सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला कैसे यूज़ करनी है, आप ध्यान आ रहा है ना। तो आज जैसे हमने ये फार्मूला समझी और इसके क्वेश्चंस किए ना, ऐसे ही अब इसी एक्सरसाइज के दूसरे क्वेश्चंस हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।